हेलो गाइस, वीडियो स्टार्टिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 39 मिनट्स पहले अभी एक नोटिस है हमारे पास, जिसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थानोस और मिस्टियो का यूनिफॉर्म में कुछ इम्प्रूव किया गया है, जिसमें से हमें यूनिफॉर्म इफेक्ट भी चेंज हुए हैं। इसके बाद जो एक्टिव 3 मतलब मास फायर जो स्किल था उसको चेंज करके ओवर ड्राइव बीम किया गया है आयरन मैन का। उसके बाद जो जेट मोड था इसको हासिल किया गया है, और इसके साथ एक्टिव 5 मतलब 5th स्किल को आयरन कैनन जो था उसे नैनो गॉन्टलेट किया गया है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें से एक चेंजेस सबसे अच्छा है कि 300% ऑफ एडिशनल डैमेज जो नया स्किल है, स्किल में ये चेंजेस भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए स्किल 4 है, ये स्टार्क साइन स्पेशल। यहाँ पर देखिए इसके आयरन मैन गया, इसके साथ शायद रेस्क्यू भी है शायद। हाँ, अच्छा, स्किल को बहुत अच्छा चेंज किया गया है। ये रहा 4th स्किल, बहुत मस्त लग रहा है देखने में। उसके बाद ये है जिसमें गॉन्टलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये रहा जैसा देख पा रहे हैं आप। अभी ये स्किल, अभी स्किल 3 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, एक्टिव 3। तो ये दोनों स्किल देख पा रहे। इसके बाद कैप्टन अमेरिका जो यूनिफॉर्म था उसमें भी चेंजेस किए गए। सबसे पहले देखते हैं दोनों यूनिफॉर्म जो था, यूनिफॉर्म बोनस उतना नहीं देखते हैं। तो शार्प स्प्रिट इसमें क्या था, वर्थी अपर कट डाला गया है। ये डालने से क्या फ़ायदा हुआ है, 3 सेकंड के लिए सेम था, सब कुछ सेम ही है, मगर स्टन किया जाएगा 3 सेकंड के लिए, ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। इसके बाद है कैप्टन्स फिस्ट, इसे कैप्टन्स हैमर में बदल दिया गया है स्किल 4 को। तो इसमें भी क्या डिफरेंट है देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इनविजिबिलिटी को हटा दिया गया है। अरे, पहले था इनविजिबल 5 सेकंड के लिए, अब यहाँ पर इनविजिबल तो दिखाई नहीं दे रहा है। डील्स 10% शॉक डैमेज एवरी 1 सेकंड, इनविजिबिलिटी 4th स्किल से हटा दिया जा रहा है, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। इसके बाद है 5th स्किल, 5th फ्यूरी था, अब म्यूनिट जस्टिस है। तो मैं तो कैप्टन अमेरिका का 4th स्किल से बहुत ही नाराज़ हूँ, जिसमें इनविजिबल 5 सेकंड में बहुत हम लोग इसमें अटैक कर सकते थे और अपने आप को बचाव भी कर सकते थे, मगर अब जो है गार्ड अगेंस्ट 4 हिट, ये तो आयरन मैन का 3rd स्किल जैसा कर दिया गया है। तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, कैप्टन अमेरिका का 4th स्किल को बर्बाद कर दिया गया है। अब थानोस का 4th स्किल जो है उससे चेंज किया गया है, और चेंज करके ऐसा कौन सा चेंज किया गया है, फ्रैक्चर लाया गया है। उसके बाद ऑल डिफेंस डाउन भी किया गया है, अब ये काम करता है या नहीं वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में ये देखना होगा बाद में। मिस्ट्रियो का 4th जो है स्किल, इसको भी चेंज किया गया है, अभी इफ़ेक्ट यहाँ पर बाद में दिखाया जाएगा। मैं इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जब ये अवेलेबल होगा आप देख सकते हैं, अभी तो सारे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी यहाँ पर एक स्किल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं कैप्टन अमेरिका के यूनिफॉर्म से बहुत ही नाराज़ हूँ कि 4th स्किल को इसको बर्बाद कर दिया गया, इनविजिबल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। मैं फिर से ठीक से देख लेता हूँ, नहीं इनविजिबल नहीं है, पहले इनविजिबल था 5 सेकंड के लिए, इनविजिबल को हटा दिया जा रहा है। तो ये कैप्टन अमेरिका है, वो सारे कैप्टन अमेरिका के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि चलो सब कैप्टन अमेरिका को लो, और ये लोग अभी ये बात कर रहे ताकि दूसरे कैरेक्टर के पास जो न्यू प्लेयर है वो सब जाए। तो ये एकदम सही नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब मेंटेनेंस नोटिस देखते हैं, 17:30 से PDT टाइम देखते हैं। ये कितना बजे हो सकता है,
16 तारीख, मतलब आज 5:30 PM, मतलब ये सुबह, कल सुबह से लेके मेंटेनेंस स्टार्ट होगा 5:30 PM। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। तो टाइम से पता चला कि जो 5:30 PM ये लोगों का टाइम बता रहा है, वो हमारे सुबह 6 बजे से लेके, इंडिया में मतलब 17 तारीख होगा, अभी तो 16 तारीख है, मतलब 17 तारीख कल सुबह 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक, सुबह 10:30 बजे तक, मैं 6, 7, 8, 9, 10, 4.5 घंटा का मेंटेनेंस रहेगा। तो इसमें एडेड 6 न्यू इम्प्रूव्ड यूनिफॉर्म्स। तो यूनिफॉर्म इम्प्रूव क्या हुआ है, कैप्टन अमेरिका को म्योनिर दिया, सबका डिमांड पूरा कर दिया, मगर इनविजिबिलिटी फोर्थ स्किल से हटा दिया गया। तो ये क्या इम्प्रूव ये लोगों ने किया नहीं पता मुझे। अब DPS कैरेक्टर का बढ़ाएगा तो अलग बात है, मगर कोई भी कैरेक्टर इतना अच्छा है, हर कोई कैप्टन अमेरिका का फोर्थ स्किल जो है उसको लेके इतना बात करता था हर कोई, इसीलिए कैप्टन अमेरिका को सब कोई जो मतलब सेलेक्ट करता है। जैसे मैं थानोस 29 जो स्टेज कैप्टन अमेरिका का फोर्थ स्किल के कारण मैं क्लियर कर पाता हूँ, क्योंकि इनविजिबल होके मैं थानोस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा फाइट कर पाता हूँ। मगर अब इनविजिबिलिटी को हटा दे के ये लोग गार्ड अगेंस्ट 4 हीट 5 हीट, मतलब आयरन मैन जैसा बना दे रहा है। तो मैं कैप्टन अमेरिका से बहुत ही नाराज़ हूँ, कैप्टन अमेरिका को बर्बाद कर दिया जा रहा है। अभी आयरन मैन का शायद अच्छा होगा, मगर कैप्टन अमेरिका इनविजिबिलिटी फिफ्थ स्किल सॉरी फोर्थ स्किल से इनविजिबिलिटी को हटाना एकदम बेकार डिसीजन है, तो ये मुझे लगता है। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा है ये जो है उनका अपडेट में, ये लोगों ने क्या क्या चेंजेस किया, क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।